जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। दोस्तों आज हम इस वीडियो में जो कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी है उसका एग्ज़ाम डेट के बारे में बात करेंगे कि आपका एग्ज़ाम कब तक होगा। आप लोगों के बहुत कमेंट आ रहे थे कि एग्ज़ाम डेट बता दीजिए, कब तक एग्ज़ाम होगा, हम उसी हिसाब से तैयारी करेंगे। और जो दूसरा पॉइंट आपका इस वीडियो में रहने वाला है वो है कि आपको अपना सिलेबस किस तरह से कंप्लीट करना है, क्योंकि एग्ज़ाम होने से ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका सिलेबस कंप्लीट होना। क्योंकि एग्ज़ाम अगर आपका जून में हो जाता है तो क्या आप उस एग्ज़ाम के लिए तैयार हो, आप प्रिपेयर हो, आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है? आप में से बहुत लोग होंगे जिनका सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। दोस्तों जो एक टॉपर होता है और जो एक फेलियर स्टूडेंट होता है उसमें सिर्फ एक ही अंतर होता है कि जो टॉपर होता है ना उसके पास कुछ ऐसी ट्रिक्स वगैरह होती हैं वो उन्हें अपनाता है जिससे उसका सिलेबस कंप्लीट होता है और उसे सब कुछ याद होता है। लेकिन जो बैक वेंचर्स होते हैं आप कह सकते हो, या जो फेलियर स्टूडेंट होते हैं जिनके नंबर कम आते हैं 33-40 या 50% 60% तक, तो वो उन ट्रिक्स के बारे में उन्हें पता ही नहीं होता और ना ही वो कभी जानने की कोशिश करते हैं कि वो जो उनका फ्रेंड जो टॉपर है वो किस तरह से तैयारी कर रहा है। वो अपना वही घिसा हुआ तरीका, अपना बुक खोली, 1-2 घंटे पढ़े, फिर बुक रख दी और दोबारा फिर कई दिन तक भूल गए। तो दोस्तों आपको इस तरह से नहीं पढ़ना। आज आप इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने वाले हैं और जिन साथियों का सिलेक्शन होता है वो इसी तरह से पढ़ते हैं जो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी स्किप ना करना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना और अपने सभी दोस्तों को शेयर करना जो लोग भी कंप्यूटर ऑपरेटर या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो उनके लिए भी यूजफुल होने वाली है। तो चलिए बरादरी कर वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर के एग्जाम के बारे में कि कब तक आपका एग्जाम होगा। उसके लिए एक लेटर लखनऊ से चल पड़ा है और ये रहा वो लेटर, आप देख लीजिए। और इसमें जो हेडक्वार्टर है उसने संस्तुति मांगी है जो विद्यालय है उनके प्रधानाचार्यों से कि क्या वो रेडी हैं, उन्हें कोई समस्या तो नहीं है अगर उनके यहाँ कंप्यूटर ऑपरेटर की परीक्षा का सेंटर बना दिया जाए। तो 3 दिन के अंदर वो लोग अपनी सूचना भेज देंगे लखनऊ, और जैसे ही चुनाव संपन्न होगा उसके जस्ट बाद यानी कि जून में आपका एग्जाम हो सकता है। 70-80% चांस है कि आपका एग्जाम जून में ही हो जाएगा, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम होती है तभी आपका एग्जाम थोड़ा डिले होगा और जुलाई की तरफ जा सकता है। इस समय चुनाव जरूर चल रहा है लेकिन आपकी भर्ती की प्रक्रिया भी धीरे धीरे चल रही है। जो बाबू लखनऊ में भर्ती बोर्ड में बैठे हुए हैं उनका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, वो अपना काम स्लो रफ्तार में कर रहे हैं। यानी जैसे ही चुनाव कंप्लीट होगा उसके जस्ट बाद आपका एग्जाम कराने की तैयारी है, और आपके साथ साथ जो भी यूपी पुलिस की भर्तियां हैं उनके एग्जाम भी जल्दी ही होंगे। तो दोस्तों ये तो हो गया आपके एग्जाम का सब कुछ क्लियर, जून या जुलाई में आपका एग्जाम हो जाएगा। 70-80% जून में, और कुछ परसेंट चांस है कि जुलाई में भी हो सकता है। तो आपको रेडी रहना बहुत जरूरी है एग्जाम के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सिलेबस आपको कैसे खत्म करना है। दोस्तों सिलेबस हर गवर्नमेंट जॉब का थोड़ा बड़ा ही होता है, अगर सिलेबस छोटा होगा तो फिर तो हर कोई गवर्नमेंट जॉब में लग जाएगा। तो दोस्तों कंपटीशन तो है ही, ये हर क्षेत्र में आपको मिलेगा ही, लेकिन इतना भी नहीं है कि आप क्रैक नहीं कर पाओ एग्जाम। दोस्तों किसी भी एग्जाम को क्रैक करने की एक ट्रिक होती है जिसे हम लोग बोलते हैं CVNRT। सबसे पहले क्लास, ये 5 भागों में डिवाइड है, CVNRT क्लास, और दूसरे नंबर पर आता है बुक। ठीक है, पहले आप क्लास में पढ़ोगे फिर बुक से पढ़ोगे, और तीसरे नंबर पर आता है नोट्स, जो आप हैंड रिटन नोट्स अपने घर पर बनाओगे वो, और चौथे नंबर पर आता है रिवीजन, और पांचवें पर टेस्ट यानी कि मॉक टेस्ट। जिसने ये 5 स्टेप में पढ़ाई कर ली समझ लो उसका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, चाहे कोई भी एग्जाम हो। दोस्तों क्लास में हमें जो टीचर पढ़ाते हैं, आप चाहे ऑनलाइन क्लास पढ़ रहे हो या ऑफलाइन, ठीक है, तो वहाँ जो भी आप चैप्टर पढ़ते हो तो वहाँ आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, आपको समझ में आता है कि हाँ ये चैप्टर इस तरह से है। मान लो मैथ का कोई चैप्टर है और अगर आप क्लास में पढ़ रहे हो तो आपको बहुत सारे नए नए फॉर्मूले वगैरह आप पहली बार देख रहे हो, तो थोड़ा दिमाग खुलता है कि हाँ ये चैप्टर मान लो परसेंटेज का है तो इसमें इस तरह से सवाल हो गए, क्लास में आपने एक बार पढ़ लिया। फिर जब आप घर आकर बुक से पढ़ोगे तो बुक की लैंग्वेज थोड़ी टफ होती है हमारी नॉर्मल लैंग्वेज से, तो आप बुक से भी एक बार उस चैप्टर को पढ़ लेते हो। ठीक है, उसके बाद फिर आप नोट्स बनाते हो जो हैंड रिटन नोट्स होंगे, और वो आप अपनी लैंग्वेज में बनाते हो, तो जब भी आप कभी रिवीजन करोगे उनका 4th स्टेप जो रिवीजन है, तो आपके फिर आपको बुक से नहीं पढ़ना है, फिर आपको रिवीजन करना है अपने नोट्स से, क्योंकि बुक मान लो इतनी मोटी है तो जो आपके नोट्स होंगे वो पतले होंगे उनसे, क्योंकि जो आपने मोटे मोटे पॉइंट होंगे उसके इंपॉर्टेंट वाले वही अपने नोट्स में लिखे होंगे। ठीक है, तो आपने नोट्स से रिवीजन कर लिया, बुक भी पढ़ ली, आपने क्लास भी अटेंड कर ली, और सबसे लास्ट में फिर आप दोगे अपना टेस्ट जो कि होगा मॉक टेस्ट। तो उसमें आपका जो स्कोर होगा वो काफ़ी इंक्रीज हो जाएगा एक नॉर्मल पढ़ाई की अपेक्षा, क्योंकि अब आप क्या करते हो, आप क्लास में पढ़ते हो, कुछ देर घर आकर पढ़े, फिर आपने मॉक टेस्ट लगा लिया, और मॉक टेस्ट में फिर आपके नंबर कम आते हैं, फिर आप कमेंट करते हो कि भैया हमारे मॉक टेस्ट में बहुत कम नंबर आ रहे हैं।
और वहाँ से आपका मोरल जो है धीरे धीरे डाउन होने लगता है। आप देखते हो कि 160 नंबर आपको टोटल है आपका 160 नंबर का, और आपके 100 तक भी आप मुश्किल से पहुँच पा रहे हो, हद से हद 110 115, तो उससे कि आपका मोरल डाउन होने लगता है कि यार मेरे नंबर तो बहुत कम आ रहे हैं। तो दोस्तों ये एक फॉर्मूला है CVNRT, इसे आप ज़रूर अप्लाई करना अपनी स्टडी के समय, और फिर जो इम्प्रूवमेंट होगा आप वो कमेंट करके मुझे बताना कि हाँ आपको सच में कोई लाभ होगा। तो जो लोग घिसे पिटे पुराने तरीके अपनाते हैं तो वो पीछे रह जाते हैं दोस्तों। टाइम अपडेट होने का है, कंपटीशन बढ़ चुका है, तो आपको भी ऐसी ट्रिक्स अपनानी पड़ेंगी जो आपको दूसरों से आगे पहुंचा देती हैं। अगर आप ये ट्रिक्स अपनाते हो तो आप 95% जो स्टूडेंट हैं, जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनसे आप आगे निकल जाओगे। क्योंकि रेगुलरिटी नहीं है दोस्तों, चाहे कितना भी कॉम्पिटिशन हो। आप यूपी पुलिस में देखो 50 लाख फॉर्म फिल हुए थे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उनमें से मात्र 4 से 5 लाख स्टूडेंट ही ऐसे होंगे जिनकी रेगुलरिटी होगी स्टडी में। उनमें से अधिकांश स्टूडेंट ऐसे थे जो कहीं जॉब कर रहे हैं और उसके साथ उन्होंने फॉर्म भर दिया, कभी तुक्के में ही एग्ज़ाम आ जाए या पढ़ा हुआ फंस जाए। दोस्तों ये जो पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, इन्हें आप अपनी लाइफ में अप्लाई करना, फिर जो आपको एक इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा अपनी स्टडी में, वो एक अलग ही लेवल का होगा। और फिर आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको मेरी इस वीडियो से कितना फ़ायदा होगा। और अगली वीडियो मैं प्रैक्टिस सेट के ऊपर बनाऊंगा कि आप प्रैक्टिस सेट में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स किस तरह से ला सकते हो, और आपको किस तरह से प्रैक्टिस सेट लगाना है, उसका भी एक तरीका है दोस्तों, उसमें भी आप गलती कर रहे होंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।